हथकड़ी लगा ले चल थाने को, वहीं पे कस के पिटाई करेंगे। चलो ले चलो दोनों को। तो ये हमारे बालक राम भैया, तुम तेल ज्यादा तेज बेचत हो। तो कहने के राजू कहने के तुम ज्यादा तेज बेचे हो तो हम माता बेचब राजू कहीं नहीं। और फज्जू भैया हमारे उधियाने हैं, तुम्हारे तेल के ट्रम खुदवा रहे हैं। फज्जू बहुत दूर से आए हैं। बंद करिए दोनों को। चौकीदार देखो वो मेरा रूल लेके आओ। बहादुर बाबा अब हराम जाति को 2 घंटे बंद रहेंगे। ये राम कली बहुत जबकटी लड़की है। जी हाँ। अच्छा मैं पूछती हूँ। पूछो। हो सकता है पैसे वापस कर दी। फूलान फूलान। जी सर। तुझे तेरे पैसे वापस मिले कि नहीं? नहीं सर, ये हराम जाति मेरे पैसे वापस नहीं कर रही है। क्या राम कली रामचादी पैसे फूलन के वापस करती? मैं आऊँ वहाँ पर मारते मारते तुझे हॉस्पिटल पहुँचा दूँ। नहीं सर, आप बताइए आप इसके पैसे दे रहे हो रामचादी को? दीजिए फूलन। फूलन जी सर, तुझे तेरे पैसे मिले कि नहीं? हाँ सर, मुझे मेरा पर्स मिल गया है। रामचादी चट कहीं की पर्स नहीं लौटा। हे छक्का मत करो, हल्ला गुदमन मचाओ। बहादुर बाबा हाँ पैसे तो लौटा दिया। इन दोनों को बाहर लेकर। ठीक है। फूलन रामकली मेरी बात की कान खोल कर सुनो। कहिए सर। देखो तुम दोनों की बहादुरी पे मुझे बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि एक मर्द की इतनी ताकत है तुम दोनों में। इसलिए मैं कहती चोरी चमारी बंद कर एक अच्छी लड़की बनकर जियो। देखो कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए। लेकिन सर मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं कि जो आपकी तरह कोई अच्छा सा काम करके दिखाऊं सर। अरे फूलन मैं मानती हूं कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी इसलिए मुझे पुलिस की वर्दी मिली। क्यों नहीं सर? और तुम पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ? फूलन देखो ऐसा करो, कोई गैर कानूनी काम करता है, कानून के खिलाफ काम करता है, उस मुलजिम को थाने में लाओ, पुलिस के हवाले करो। अगर तुम कानून की मदद करोगी तो वादा मैं करती हूँ कि जिस दिन तुम कानून की मदद करोगी उस दिन मैं कानून से बहुत बड़ा इनाम तुम्हें दूंगा। ठीक है सर, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं कोई भी तरह से कानून की मदद करूंगी। हाँ, सरकार से मैं बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगी। ठीक है सर। ठीक है बहादुर बाबा आइए आज का पेपर देखो। चलो पेपर देखो। दोस्त का लो। दोस्त कुंदन से क्या बात है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? इस समय
आवाज समाज से हमारा ट्रक खोल भाई, उस गाड़ी पर लदा है, लेकिन मुझे सिर्फ चिंता है तो रामगढ़ चौकी चिंता है, रामगढ़ चौकी का चिंता है। हाँ, और किस लिए? अगर वो ट्रक हमारा पकड़ा गया तो करोड़ों का नुकसान होगा। क्यों नहीं तो उसको धन सिंह, अगर हमारा माल पकड़ गया तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। लेकिन दोस्त क्या उसी चौकी पे ड्यूटी हमारे रंजीत सिंह की है? ओ मेरा दोस्त डॉक्टर रंजीत सिंह। तो ट्रक भेजो पहले, मैं सोचता हूँ कि इस वक्त रंजीत सिंह से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं मेरे दोस्त, उससे अवश्य मिलना चाहिए। आ हम चलते हैं रंजीत से मिलने के लिए। क्यों नहीं आओ। क्या फिर हमारे दोस्त को अंदर किया जाती है, न जाने कहाँ रहता है और किस निवास में रहता है, किस भेष में रहता है। तो चलते हैं देखते हैं क्या। अरे दोस्त को अंदर क्या क्या नमस्कार नमस्कार, अचानक हमारे पास आने के क्या कारण है दोस्त? मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, कुछ बताने के लिए आया हूँ। बोलो। देखो सर, मैं आवाज समाज की सप्लाई विदेशों के लिए कर रहा हूँ। इस समय करोड़ों का सामान हमारे ट्रक पर लदा खड़ा है, यानी करोड़ों का सामान तुम्हारी ट्रक में लदा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो दोस्त। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह कहूं? कहो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोलो, अगर हमारे दोस्त हो तो आज मैं अपने दोस्त को आजमाना चाहता हूं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्त, बोलो। दोस्त रंजीत सिंह, मुझे चिंता है तो सिर्फ आपकी चौकी से। हमारी चौकी से? हाँ, सिर्फ हमारी चौकी से तुम्हें डर है? लेकिन दोस्त हमारे होते हुए तुम्हें हमारी चौकी से डर क्यों? ऐसा रंजीत सिंह, अगर कहीं वो ट्रक पकड़ा गया तो करोड़ों का नुकसान होगा। हाँ। अगर वो ट्रक हमारा अपने चौक से पार कर दे तो उसमें का चौथे भाग मैं अपने दोस्त रंजीत सिंह को लगाऊंगा। तो दोस्त अगर ऐसी बात है तो ये समझ लो कि तुम्हारे ट्रक चौकी के उस पार पहुंच गया, क्योंकि रंजीत सिंह का वादा है तुम्हारा ट्रक बहुत ही आसानी के साथ चौकी का बॉर्डर पार करवाएगा। और मैं अपने ड्राइवर से तुम्हें मुलाकात कराता हूं। हाँ, कौन है? देखो क्या नाम है। अरे क्यों आज मुझे बुलाया गया ठाकुर साहब? क्या नाम है? अरे सर हमको लोग भीखू ड्राइवर कहते हैं सर। भीखू ड्राइवर? हाँ सर। बता ट्रक कब से चलाता है और कितनी तेजी चला सकता है? अरे सर मैंने तो केवल जिंदगी में दो ही काम किए हैं, या तो 50% की बदमाशी और 50% के ड्राइवर, दोनों काम मेरे हमेशा साथ साथ में रहे सर। बोल कितनी तेज ट्रक चला सकता है सर? मैं आखिरी सीमा 150 की रफ्तार में फुल रफ्तार में गाड़ी चलाता हूँ। हाँ। देखो क्या बात सर। देखो जो माल है जो तुम ले जा रहे हो ठीक है सर, हमारे दोस्त कुंदन और हमारा है,
इसलिए बहुत होशियारी के साथ में माल को बॉर्डर के उस पर करना, समझ गए? ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है सर, जा सकते हो। दोस्त चलिए आप, और मैं ये वादा करता हूं कि बॉर्डर के उस पर माल बहुत ही आसानी के साथ पहुंचे। सत्यराज सिंह अगर कहीं ट्रक पकड़ा गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। दोस्त जितना हाथ तुम्हारा है उतना ही हिस्सा हमारा इस ट्रक में है। हाँ। इसलिए दोस्त बेफिक्र होकर के जाइए, और ये वादा है कि मैं इस बॉर्डर के उस पार ट्रक करवा दूंगा। मैं अपना ट्रक भेज रहा हूँ, चलिए। हाँ। अब मुझे फौरन चलते जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है उनके ड्यूटी अलग लगवा देता हूँ, और जिस रास्ते से कुंदन से का ट्रक जाएगा उस रास्ते पर माइक लग और मैं ट्रक लेके चलता हूँ। ठाकुर साहब का इंस्पेक्टर साहब का आदेश है कि कोई भी ट्रक के सामने आएगा तो सीधे रौंदते हुए निकल जाना, किसी बात की चिंता। अरे ए, मैं क्या देख रही हूँ, ये ट्रक ड्राइवर हराम ज्यादा इतनी जोर से ट्रक लिए जा रहा है, अगर कोई रास्ते में मिल गया तो उसे पिछल देगा, मैं इसे जरूर रोकूंगी। मेरा पीछा के शीशा में दिखाई पड़ रहा, आने दो साली को देख। ए ड्राइवर, मैं कहती हूँ रोक दे अपनी ट्रक, वरना हराम जादे इतना मार मारूंगी जिंदगी भर पड़ता है हराम जादे। आ गई सामने तो रौन दूंगा हराम जादी को। आ रही है, ठीक है मैं हराम जाता उसके बाद ही भक्ति। सामने नजर में आ गए तो डामर में मिला दूंगा। हराम जादे इतनी जोर से ट्रक चलाता ऊपर से जोर चलाने के मेरा 14 चक्के का लाइसेंस है, और तू मेरा पीछा करती है और काट लगेगी और समय का इंतजार कुत्ते कहीं कर रखी है। चुबा लगाता आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज ले चलूंगी पुलिस स्टेशन। आता
फिर पागल हो गए इसी तरह क्या? एक नंबर की मक्कार है जो ड्राइवर टक्कर लेते हैं। तो ड्राइवर टक्कर लेगा भले आदमी को काम नहीं है सर। अरे सर ये क्या है? साले अंदर कर दूंगा। क्या जी? ये साला ड्राइवर है। अरे ये पुलिस का डिपार्ट कैसा है? डिपार्ट फुलन जी सर। कौन है सर? ये ट्रक का ड्राइवर है। अरे हरामजादा इतनी जोरों से अपनी ट्रक चला रहा था, हमको लगता है सर इसकी ट्रक में जरूर कोई ना कोई अवैध सामान है। ठीक है फुलन, जानकारी के कानून का काम है, हम जैसे पुलिस वालों का काम है। फुलन जी सर देखो तुझे तेरा इनाम मैं सरकार से अवश्य दिलाऊंगा। ठीक है सर। तू जा फुलन। ठीक है सर मैं जा रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे आगे बढ़। बोलने की कोशिश मत करना। अरे सर थाने में खड़े चुप। बोलने दोगी नहीं तो चुप कहती हो, बोलने देने दोगी? ये क्या बात? जितना मैं पूछूं उतना बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। सुन मेरी बात। सर क्या बात है? क्या नाम है तेरा? सर हमारा नाम भिखू ड्राइवर है। भिखू ड्राइवर है सर। कितने दिनों से ट्रक चलाते हैं? करीब उस समय हमारी 18 साल की उम्र थी मेरी, जब से 18 तब से मैं ड्राइवर हूँ। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस 14 तक सर रिन्यूअल में गया है, इस पे आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में लगा है सर। अच्छा उसमें फोटो चेंज करवाना था। गाड़ी के पेपर दिखाओ। क्या अरे पेपर ऊपर गाड़ी के डिग्गी में बंद है, मैं लेके चलता हूँ। कोई लाइसेंस रिवाल्वर है? बदतमीज कहीं के। बहादुर बाबा जरा देखो इस ट्रक में क्या है। अरे सर सुनो मुंह बंद रखो, मैं जितना कहती हूँ वरना वो थप्पड़ मांगी पहरे हो जाओगे। चलो ठीक है यही पहले देखने दो। अरे साहब ये तो आतंकी आदमी है। क्या ओ माय गॉड, गोले बारूद हराम चादे। स्टैंड अप बोल, ये धंधा कितने दिन से करता है, किसके लिए करता है? धंधा ऐसा धंधा मेरा पट्टा उठाओ। सर एक मिनट सुनो मेरी बात। ए सर सर मेरी बात आप एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जो भी करना हो करना। सर 1,00,000 रुपए इसी वक्त दूंगा, जाने दो मुझे। क्या 1,00,000 दूंगा? मुझको घुस देने की कोशिश करता सर, हराम चादे कुत्ते साले, मुझे से पुलिस ऑफिसर को घुस देकर। इसकी जेब में देखो क्या है। ओ माय गॉड, हराम चादे। इतना माल लेके चलते हो, सलाह लेके चलते हैं सर, ऐसे नहीं चलना चाहिए। साले कुत्ते तू तो देश को हमारे भस्म करने के लिए चला है। क्यों सर 2,00,000 दूंगा छोड़। बहादुर बाबा लगा दो हथकड़ी हराम जाते को। सर हथकड़ी मत लगाओ नहीं कानून में फंस जाऊंगा, तो ये सब मामला वो थप्पड़ मारूंगी जुबान कट के गिर जाएगी। चलो ठीक बोलते हो और दूंगा। भिखू ड्राइवर तुझे नहीं जानता है, साले तू आतंकी आदमी है। अरे भिखू ड्राइवर देख मैं तुझसे भी पूछ रही हूँ, क्या सर बता दे ये काम किसके लिए करता है, इसका मालिक कौन है? सर ये काम अपना निजी है और ट्रक अपना है, ये माल अपना है। फिर वही बकवास क्या हो रहा है सीधा? अब साहब ये भिखू ड्राइवर है,
जी हाँ ट्रक चलाता है। अच्छा। और इसकी ट्रक में गैर कानूनी हथियार मिले हैं, गोले बारूद असलहे, और यहाँ तक कि ये देखिए रिवाल्वर बरामद हुआ। अच्छा, ये रिवाल्वर इसके पास बरामद हुआ। लगता है कि बहुत बड़े गैर का ये माफिया है। जी हाँ बहुत क्यों रे क्या नाम तेरा? सर हम रिको ड्राइवर है सर। अच्छा, माल किसके लिए ले जाता है, कौन होता है मालिक? सर ये जो कुछ सब अपना मामला है सर, ये ट्रक अपना है और ये माल मामला है साला। सही सर, तो खुद मालिक है, चलाता ट्रक है साला, खुद मालिक है तो बताना चाहता लेकिन पता ना है। इंस्पेक्टर हसीना